देखो, अपन ने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ा विस्कोसिटी, मतलब प्रेशर के बाद में क्या पढ़ा अपन ने, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद अपन ने देखा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या देखा अपन ने? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में क्या डिस्कस किया अपन ने? आइडियल फ्लूइड। क्या डिस्कस किया? आइडियल फ्लूइड। और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अपन ने डिस्कस किया कि कभी भी कोई भी आइडियल फ्लूइड जब फ्लो होता है तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट। यानी ये देखो यहां पर कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी जब भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। इसको कहा अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या थी बेटा आपकी? बर्नौली प्रिंसिपल ये थी कि सेम सिचुएशन के अंदर, जो भी बताया ना, इसी सिचुएशन के अंदर मान लो ये हाइट है आपकी h1 और ये हाइट कितनी है आपकी h2। ऐसे कहा था अपन ने मान लेते हैं ये ट्यूब के, एक ट्यूब है जिसमें हर एक पॉइंट पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट है, और इसके अंदर ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, इस तरह से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी h1 और इसकी हाइट कितनी है आपकी यहां पर h2। या जो लिक्विड अंदर एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है v1, और जो लिक्विड यहां से बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है v2। इस पॉइंट पर जब लिक्विड अंदर एंटर हो रहा है तो यहां पर प्रेशर जो है वो है आपका p1। यहां पर प्रेशर कितना है आपका p1, और यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है आपका p2। ऐसे हर एक और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। बर्नौली कहता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला था बेटा अपन ने? हाफ रो वी स्क्वायर। क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, यानी मास अपॉन वॉल्यूम क्या जाएगा? डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच। एम नहीं आएगा क्योंकि एम अपॉन वी क्या हो जाएगा? रो। ये तीनों ना ऑलवेज क्या रहेंगे आपके? कांस्टेंट रहेंगे। कहीं पर भी मेजरमेंट करोगे तीनों क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। जैसे यहां पर प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका सम यदि आप लोग यहां पर 100 आ रहा है तो यहां पर भी कितना आएगा? 100। यहां पर भी 100, यहां पर भी 100। हर एक पॉइंट पर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। हर एक पॉइंट पर सेम आएगा। व्हेन अ नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड फ्लो इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन एट ईच पॉइंट इन इट्स पाथ द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। द टोटल एनर्जी का मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब का सम हमेशा क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। यानी पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। ये बात ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यदि हाइट सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केस में हाइट क्या होती है बेटा? सेम हाइट यदि क्या है आपकी बेटा? सेम, तो उस टाइम क्या होगा बेटा? आप क्या बोलोगे बताओ? जैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे, तो उसकी हाइट क्या नहीं हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। अब बताओ तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? भाई हाइट तो कॉन्स्टेंट है ना, तो ये भी तो पूरा पार्ट क्या हो गया? कॉन्स्टेंट, ये तो उधर चला जाएगा।
वो भी क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉन्स्टेंट, क्या आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये ऑलवेज क्या आएगा आपका कॉन्स्टेंट आएगा, कब, जब हाइट क्या हो आपकी सेम। क्लियर है, पक्का, चलो अब ऐसा करते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल आई कैसी कैसी इसका डेरिवेशन कर लेते हैं अपन, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ना। चलो तो एक बस का डेरिवेशन कर लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इसे अपन कह रहे हैं ये कोई ट्यूब है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा है। मैंने कहा भाई बेस से इस पॉइंट या यहां पर पॉइंट मान, ये जो एंड है लैंग्वेज के हिसाब से मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर दो एंड मान लेता हूं ट्यूब के एक्स, और ये एंड मान लिया मैंने क्या वाई, दो एंड है कोई ट्यूब के एक्स एंड वाई। इस एक्स एंड की जो हाइट है ना वो मैंने कितनी लिए बेटा एच वन, और जो वाई एंड है इसकी हाइट के लिए मैंने एच टू। यहां पर जो लिक्विड अंदर एंटर हो रहा है यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है वी वन, और यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है वी टू। यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है आपका, यहां पर प्रेशर मैं बोल रहा हूं कितना है आपका P1, और यहां पर जो प्रेशर है वो मेरा कितना है, यहां प्रेशर P1 वहां प्रेशर P2, ये हाइट H1 ये हाइट H2, लिक्विड अंदर जा रहा है उसकी वेलोसिटी V1 और लिक्विड जो बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है P2। एक बार लैंग्वेज देख लो, सपोज दैट नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लाइन in a tube with non-uniform cross-section area. Suppose x end of the tube is A and the y end is B होना चाहिए फिर, और चेंज कर देता हूं इसको कि जो वर्क हुआ है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन एनर्जी, हाँ या ना। ये शुरू में बात बताई थी कि भाई यहां एनर्जी कितनी है 10, ये 12 मान लो, यहां एनर्जी है 12 और यहां एनर्जी कितनी है 6, तो वर्क कितना हुआ, कैसे निकाला 10 माइनस 6, तो बताओ ये तो क्या है आपके पास, पहले ये बताओ ये कितना आया, ये चीज क्या है आपके पास, चेंज इन एनर्जी, और ये क्या है आपके पास नेटवर्क, तो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगी, नेटवर्क के बराबर होगी कि नहीं होगी, लिख दूं इसको, तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोल सकता हूं मैं कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका नेट वर्क। चेंज इन एनर्जी, ये सबसे सिंप्लीफाइड करा रहा हूं मैं आपको बर्नौली प्रिंसिपल, आपके आगे इंजीनियरिंग में भी चल जाओगे या कहीं और देखोगे बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, आपको बहुत टिपिकल दे रखा है, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलेगा आप, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कराई है मैंने। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, ये रहा चेंज इन एनर्जी बेटा, लिख दूं हाफ एम क्या था वी वन माइनस वी वन का स्क्वायर माइनस इक्वल सॉरी प्लस एम जी नहीं एच वन माइनस एच टू बेटा एच वन माइनस एच टू, और नेटवर्क कितना है पी वन माइनस पी टू, चलो पी टू माइनस पी वन, ये क्या आ गया एम, हाँ है ना। अब एक्चुअली ये ध्यान रखना ये जो एम है ना वो है आपका देखो वापस लूं मैं वहां पे
यहां देखो, यहां पर यहां से उठाते हैं बात। एक्चुअली उसमें ये चीज मैंने बोली थी आपको, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूं इसको, अब जान लीजिए कि लाइन ये होती है एक्चुअली ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू इक्वल्स टू एम अपॉन रो, ये होता है। क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई में यहां पर क्या होता है आपका रो, टोटल मास के लिए भाई अपने यहां पर साथ में क्या था याद करो, वॉल्यूम निकाल, मास निकाला था ना, मास क्या निकाला था, मास कैसे निकाला था अपने, मास कैसे निकाला था बोलो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टी डेंसिटी, तो वो जो डेंसिटी थी वॉल्यूम मल्टी डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टी डेंसिटी। मैं देखो ये बता रहा हूँ, डिराइव कर देता हूँ वापस एक बार का, लॉक लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर, यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे, ए टू वी टू एम अपॉन रो, ए वन वी वन एम अपॉन रो, तो यहां पे कितना जाएगा ये एम अपॉन रो, बैठ गई मेरी बात यहां तक। अब देखो दोनों साइड से m कॉमन होकर कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहां पर m कॉमन ले लो, और यहां से भी m क्या करो कॉमन, कॉमन m से ये m क्या हो गया आपका, हो गया बस अपना आंसर आ गया, अब बस इसको सेट करना है बस, ओनली इस रो को उधर भेज दूंगा बेटा, ठीक कितना जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर हाफ रो v2 स्क्वायर, रो उधर गया रो g h1 रो g h2 माइनस में इक्वल्स टू p2 माइनस p1, तो ये लिख देता हूं वापस, देखो इधर देखो रो उधर मल्टीप्लाई किया ना कितना जाएगा हाफ रो v1 हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, अब वन वाले को एक साइड में ले लो और टू वाले को एक साइड में ले लो, ले देखो इस पी वन को मैं उधर भेजता हूं तो प्लस में हो जाएगा, इसको मैं उधर भेजता हूं, देखो इसको तो मैं भेज रहा हूं इधर और इसको भी मैं भेज रहा हूं इधर और इसको भेज रहा हूं मैं इधर, समझा कि तो ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ, P1 वन वाला एक साइड लेके आ रहा हूं बस, ये वन वाला एक साइड आ गया, ये साथ में क्या है हाफ रो V1 स्क्वायर, ये तो उधर जाएगा और साथ में क्या आ गया प्लस रो जी एच वन, ठीक है ये तो उधर गया ये भी उधर गया, तो चलो करते इक्वल टू P2 ये उधर आया ना तो प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ये भी उधर गया, तो अब ढंग से देखो लाइन पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, ढंग से लाइन देखो क्या है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, इस पॉइंट की मान लो 100 आई, कितनी आई 100, तो यहां पर कितनी आएगी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी, आएगी नहीं आई, अब इसे को तीसरा पॉइंट ले लो तो इक्वल में क्या आएगा P3 प्लस हाफ रो V3 का स्क्वायर प्लस रो जी एच थ्री, ऐसी एक और ले लो तो P4 प्लस हाफ रो V4 का स्क्वायर प्लस रो जी एच फोर, ऐसे हर एक पॉइंट पे लिए होगा कि नहीं होगा, और यही क्या थी आपकी बर्नौली प्रिंसिपल थी कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हर एक पॉइंट पर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, बैठ गई।